वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑन दी चैनल शेयर बाजार डॉट कॉम। तो मैं आज मैं बात करने वाला हूँ सुजलॉन एनर्जी शेयर के बारे में। तो गाइस सुजलॉन एनर्जी के जो शेयर हैं गाइस, वो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बने हुए रहते हैं और इसमें जो है लोगों का काफ़ी ज़्यादा भरोसा भी रहता है कि इस स्टॉक ने आने वाले समय पर जो है एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। और उसके पीछे का जो मुख्य कारण है गाइस, वो ये है कि ये स्टॉक जो है पूरा का पूरा जो है ग्रीन एनर्जी बेस्ड है, यानी कि ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उन्हीं पर जो है वर्क करता है। तो सुजलॉन एनर्जी की अगर मैं बात करूँगा, जाने वाले टाइम पर आपको ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लेकिन गाइज ये श्योरिटी के साथ कोई भी नहीं कह सकता, क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो जो है गाइज काफ़ी ज़्यादा जो है चेंज हो चुका है। तो वहीं पे अब इस स्टॉक को लेकर कुछ बड़े अपडेट्स आए हैं, वो मैं आपको दूंगा। उससे पहले गाइज मैं आपको बता दूँ कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो गाइज सुजलॉन एनर्जी के बारे में, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मिस ना करें। सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूँ कि सुजलॉन एनर्जी का जो प्रॉफिट है गाइज, वो जो डबल हो चुका है दिसंबर क्वार्टर में, अगर मैं 2023 की 22 की मैं बात करूँ, और शेयर का जो प्राइस जंप का जो नियरली 5% का हुआ था। तो कंपनी ने जो क्लॉक किया था नेट प्रॉफिट गाइज, वो 36.77 करोड़ का रहा था अक्टूबर दिसंबर का 2021 में, और फाइनल ट्रेड के बाद जो स्टॉक का जो प्राइसेस है गाइज, वो जो 9.5 पर क्लोज हुआ था, और इंट्राडे का हाईएस्ट इसने जो 9.65 का बनाया है था। वहीं पे जो है मैं आपको बता दूं गाइज कि शेयर प्राइस जो सुजलॉन का 4.8% का जो ग्रीन में टर्न हुआ था, उसके बाद ही इसकी अगर मैं टोटल नेट प्रॉफिट की मैं बात करूँ तो 78.28 करोड़ का रहा है दिसंबर 2022 में। तो टोटल परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस जो है गाइज इन्होंने दिया है, और एक्सपेंसेस भी जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कम कर दिए हैं। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में जो गाइज बहुत जल्दी आने को देखने को मिल सकता है, तो सबसे ज़्यादा जो कार्बन फ्री ऑपरेशन से गवर्नमेंट के होंगे, तो वहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी और चार्जिंग स्टेशन की तो जो गाइस जरूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे सुजलॉन एनर्जी जो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। वहीं पे फंडामेंटल एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ सुजलॉन एनर्जी के फाइनेंशियल की मैट्रिक्स और उससे ज़्यादा के, तो 1994 जो गाइस ये फाउंड हुआ था, और तुलसी आर टेंटी जी ने जो किया था, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट थे, पास थे, 2 विंड टर्बाइन उन्होंने जो लगवाया था जो कि एनर्जी नीड्स को और टेक्सटाइल बिजनेस को जो गाइस ये कम्प्लीट करना चाहते थे। वहीं पे सैमसंग बिजनेस अपॉर्चुनिटी जो है दिखी थी, एक साल के बाद में उन्होंने जो है सुजलॉन को स्टार्टअप किया था और कंप्लीट विंड एनर्जी सॉल्यूशन को जो है प्रोवाइड किया था। काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, डेप्ट सॉल्यूशन हुआ, उसके बाद में सुजलॉन एनर्जी जो है अभी भी मार्केट में बनी हुई है। साथ ही अगर आप लोगों से जिनका स्टॉक रेट काफ़ी ज़्यादा करीज रहती है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल शेयर बाजार डॉट कॉम को ज्वाइन कर सकते हो, यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन पर आप क्लिक कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करूंगा। थैंक यू गाइज वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं।